जमात उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। कराची में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कहा कि वो कश्मीर में ना सिर्फ सेना भेजे बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के लंबित आदेश का पालन करे। एक रैली को संबोधित करते हुए सईद ने दावा किया कि कश्मीरियों ने विभाजन से पहले घोषणा की थी कि वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विभाजन के बाद भारत ने जबरन जम्मू कश्मीर में सेना भेज दी। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कमांडर इन चीफ को सैनिक भेजकर जवाब देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। हाफिज सईद ने कहा कि मैं भारत के साथ लड़ाई करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और राहिल शरीफ को कश्मीर मुद्दे पर निश्चय ही रणनीति बनानी चाहिए। तो पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद खुलेआम भारत को कीदड़ भपकी दे रहा है, कश्मीर में सेना भेजने की अपील की जा रही है। लगता है कि सईद भूल गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत से कोई जुदा नहीं कर सकता। देखते रहिए जीपी लाइव।